उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस की सुरक्षा के बीच बाहुबली और पूर्व सांसद और विधायक अतीक अहमद और उसके छोटे भाई पूर्व विधायक अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या का मामला ठंडा नजर होता नहीं आ रहा। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस घटना में जान गंवाने वाले अतीक और अशरफ के जनाजे को भारतीय संविधान का जनाजा करार दिया है। दरअसल यूपी में अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या पर तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा, जो लोग भी अपराधी है उनसे हम लोगों की कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन देश में अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान और कोर्ट है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री के हत्यारों का भी ट्रायल हुआ है और सजा मिली है। यूपी में जो हुआ ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। दरअसल अतीक की हत्या पर जहां तेजस्वी यादव ने यूपी सरकार को कानून का पाठ पढ़ाया तो वहीं बाहुबली अतीक अहमद के साथ जी लगाकर लोगों के निशाने पर भी आए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर उनको ट्रॉल किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार रात 11 बजे अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ की मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में हत्या पर इससे पहले आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इस घटना को संविधान कानून व्यवस्था और लोकतंत्र का एनकाउंटर करार दिया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लाने की मांग की थी। वहीं इस मामले पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि यूपी की योगी सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि इस घटना से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में ला खड़ा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामला उत्तर प्रदेश का है, इसलिए वहां की सरकार को जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि शनिवार रात 11 बजे पूर्व सांसद और विधायक अतीक अहमद और उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाते वक्त प्रयागराज के अस्पताल परिसर में ही तीन बदमाशों ने पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में हत्या कर दी थी। मीडिया से मुखातिब अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ पर तीन शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जहां दोनों भाइयों ने घटना स्थल पर ही अपना दम तोड़ दिया था। इस घटना से संबंधित वायरल हुए वीडियो भी देखे जा सकते हैं। दरअसल पुलिस की सुरक्षा में खड़े अतीक अहमद मीडिया के सवालों के जवाब दे ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक युवा सबसे पहले अतीक के सिर पर गोली मार देता है। इसके बाद सभी पुलिस वाले आरोपियों पर फायरिंग करने या पकड़ने की बजाय वहां से पीछे हट जाते हैं। इसके बाद दो और शूटर आते हैं और खुलेआम फायरिंग करने लगते हैं। इन सबके बीच एक पुलिस वाला जिसके पास पिस्टल टंगा दिख रहा है वो पीछे हट जाता है, लेकिन वो अपना पिस्टल तक नहीं निकालता है। जिस वक्त हत्यारा गोली मार रहा होता है तो वहाँ पीछे से देख रहा होता है। इस दौरान जब यह सुनिश्चित होता है कि दोनों भाई मर गए हैं तब जाकर आरोपी को पुलिस पकड़ लेती है। इसी तरह एक और वीडियो में एक हत्यारा ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिख रहा है। इस दौरान हत्यारे के पीछे से आकर एक पुलिस वाला उसे कमर से पकड़ लेता है, लेकिन फिर छोड़ देता है। इसके बाद वो ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। जब सारी फायरिंग कर लेता है तब उसे पकड़ा जाता है। इसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि मानो पुलिस वालों को हथियारों पर फायरिंग नहीं करने के आदेश दिए गए थे। इन तीनों शूटरों को उस वक्त पकड़ा गया जब वो अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या करने के बाद हथियार फेंककर दोनों हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगे।